आगे आपको बताते कि बिहार में जेडीयू संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा और सीएम नीतीश कुमार के बीच की तनातनी खत्म होने का नाम नहीं ले रही है। उपेंद्र कुशवाहा ने एक बार फिर से नीतीश के साथ साथ लालू प्रसाद यादव के कार्यकाल पर भी सवाल उठाए हैं। लालू नीतीश पर एक साथ हमला बोलते हुए कुशवाहा ने आरोप लगाया कि दोनों ने 35 साल तक बिहार पर शासन किया और अति पिछड़ों का हक मारा है। साथ ही उपेंद्र कुशवाहा ने आरजेडी को निशाने पर लेते हुए कहा कि केवल एक परिवार का शासन बिहार में चल रहा है। कुशवाहा ने आगे कहा कि आरजेडी के विरोध में ही जेडीयू का जन्म हुआ था, लेकिन आज नीतीश कुमार इस बात को भूल चुके हैं। लोगों को ये बात समझानी होगी कि जेडीयू भी आज आरजेडी की तरफ देख रही है, जिससे पार्टी कमजोर हो रही है। कि क्या डील हुई आरजेडी से, जरा इसको बताने का काम किया जाए। आरजेडी के लोग लगातार बोल रहे हैं जो डील हुई है, जल्दी हटिए अब कुर्सी से और राष्ट्रीय जनता दल को सौंपने का काम कीजिए। भाई और मित्रों, ऐसी स्थिति अगर रहेगी तो जगदेव बाबू का सपना साकार नहीं हो सकता। हम चाहते हैं जगदेव बाबू का सपना साकार हो, सब लोगों को हिस्सेदारी मिले। कोई एक बार हो जाए तो 15 साल, कोई हो जाए तो 20 साल, और ठीक है जनता ने जब तक आशीर्वाद दिया होइए, उसमें क्या दिक्कत है। जनता जब तक आशीर्वाद दे, जनता ने आशीर्वाद दिया तो 15 साल तक पहले रहे, जनता ने आशीर्वाद खींच लिया तो जहां आशीर्वाद दिया। आज नीतीश कुमार जी के साथ जनता का आशीर्वाद है, लेकिन जनता का आशीर्वाद जिस काम के लिए है उसी काम को करने का काम करना चाहिए।